वाले हैं। पिताजी प्रणाम। यज्ञ में विघ्न डालने आई हो? नहीं, यज्ञ पूर्ण कराने आई हूँ। पुत्री के नाते मुझे नहीं, जमाता के नाते मेरे पति को भी, पर जिनके द्वारा इस स्थावर जंगम सहित सारा जगत पवित्र होता है, वो परम पावन देवाधिदेव महादेव जी को सम्मान पूर्वक बुलाकर यज्ञ को पूरा कीजिए। उस जटाजूट धारी से मुझे घृणा है। इस यज्ञ में देवताओं के मूल श्री विष्णु जी है। शंकर बहिष्कृत है। शंकर जी बहिष्कृत? इस यज्ञ में भाग लेने वाले सभी सदस्यों से पूछती हूँ, क्या महादेव जी के बिना कोई भी यज्ञ पूरा हो सकता है? क्या यज्ञ के पुण्य फलदाता किसी भी यज्ञ से बहिष्कृत हो सकते हैं? सत्य कहिए। सृष्टि के सज्जनहार ब्रह्मा जी यज्ञ का पूरा फल महादेव जी ही दे सकते हैं, ये तत्पहले ही पिताजी को समझाया होता तो आज मस्तक नहीं झुकाना पड़ता। जगत के पालनहार विष्णु जी महादेव जी का प्रथम पूजन करना यज्ञ का नियम है। इस नियम का पालन आपने करवाया होता तो आज मौन नहीं होना पड़ता। उज अतिथियों से तुम्हारा ये बर्ताव तुम्हारे पिता का अपमान है। पिता का अपमान पति के अपमान से बढ़कर नहीं। मेरे पति को देवता भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। नहीं, तुम्हारा पति भूत प्रेतों का नेता है, सर्पों का देवता है, मातृपित्र वही कूड़ बुद्धि पिताजी, वाघोरी अड़बंग उद्धत दुष्टात्मा रुद्र महासभ्य घोर निर्लज है। पिताजी चुप हो जाइए। महादेव जी की निंदा करने वाले और सुनने वाले दोनों ही नरक के भागी होते हैं। पति निंदा सुनकर जीने से तो अच्छा है मैं अग्नि प्रवेश कर लूं।